गुड मॉर्निंग। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो रेडी, लेट्स गो। एंड सो वी आर ऑफ दिल्ली। देखते पहले उधर जाके एक इवेंट है, आगे का आप ही देख लीजिए क्या स्टोरी है। हाँ तो वही पहुंच गए एयरपोर्ट टर्मिनल 1। अब जाना है मुंबई से दिल्ली। हाँ तो भाई अब जा रहे हैं सिक्योरिटी के पास। ये देखिए सिक्योरिटी, लंबी लाइन है। सो दिस इज टर्मिनल 1 ऑफ मुंबई एयरपोर्ट। लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से आया नहीं हूँ यहाँ पे। ये टर्मिनल 1 है। हाँ तो वो रहा हमारा फ्लाइट आज की जाने वाला। अकासा एयर की फ्लाइट है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, देखते हैं कैसा होता है। जैसे हर लो कॉस्ट कैरियर, इसके अंदर खाना बेचा जाता है और मेन्यू। फाइनली टाइम फॉर टेक ऑफ, और ऑन टाइम टेक ऑफ हुआ है। आप लोग टेक ऑफ को एंजॉय कीजिए। और अब ये बीच में हॉल्ट है क्योंकि देखो प्लेन लैंड होने वाला है। दिखा, अब जा रहे हैं हम टेक ऑफ के लिए। मुंबई दिल्ली फ्लाइट ओवरलैंड फ्लाइट है, तो बहुत बार ये नीचे छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांवों को देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। और अकासा है तो इसमें कोई स्मार्ट स्क्रीन नहीं है, तो यही कर सकते थे। और अब सफ़र कंप्लीट होने आया है और हम लैंड हो रहे हैं दिल्ली में। अब जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ने। ये देखो, ये मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा किसी को पूछ के। इस सड़क के ऊपर ऐसा आप क्या करते हैं जो दूसरों को नहीं दिखाना चाहते? फाइनली एयरपोर्ट से चलते चलते, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ जाके टर्मिनल 3 के पास ये एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन आता है, तो वहाँ पे पहुँच ही रहे हैं बस। लो जी पहुँच ही गए, चलो अब जाके टिकट ले लेते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट से हाई स्पीड मेट्रो है, अब मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन, वहाँ पे उतर के वहाँ से राजीव चौक की ट्रेन पकड़ूंगा। हाँ जी भाई, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से राजीव चौक, राजीव चौक से वैशाली, वैशाली पहुँच चुका हूँ। अब जा रहा हूँ संजय सर के घर। तो देखो हम इवेंट के लिए जा रहे हैं, उसके पहले संजय सर थोड़े नए कपड़े खरीद रहे हैं, आज उनका बर्थडे भी है, तो बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। देखो ये जहाँ भी जाते हैं इनको ढेर सारा प्यार मिलता है, लोगों को फ़ोटो खिंचवाने रहते हैं, यानी ये स्टोर वाले हैं सर, बड़ी खुशी से खिंचवा रहे हैं। ये GNOIT के स्टूडेंट्स ने सर के लिए स्पेशल केक अरेंज किया फॉर इस बर्थडे। एंट्री तो देखिए, मज़ा आ रहा है। ये थोड़े बच्चे डायलॉग अगर प्लीज बोल। हाँ 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 एक
इंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन ही क्या है, फाइनली इवेंट खत्म हो गया। अब टाइम आ गया हमें घर जाने का। एक्चुअली हम घर नहीं, डायरेक्ट बर्थडे पार्टी के वेन्यू पे जा रहे हैं। ये लो जी, केक कटिंग हो गया। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। दादा का नाम क्या है? लो जी, बर्थडे खत्म करके अब घर की ओर निकल पड़े हम सारे। लो जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है। हम हैं वैशाली में। आज हमारा थोड़ा प्लान है वैशाली से दोस्तों मिलने जाने, तो चलिए चलते हैं। तो जी आ गया वैशाली मेट्रो स्टेशन। अब ये आनंद विहार ISBT पे उतर के अब पिंक लाइन पकड़ के हम जा रहे हैं लाजपत नगर। चलो चलते हैं। हाँ तो भाई, आ गया लाजपत नगर। ये साइकिल रिक्शा हमेशा मुझे फैसिनेट करती है। ऐसा एक्सपीरियंस मुंबई में तो कभी नहीं मिला मुझे आज तक। तो जी लाजपत से सीधा आ गए गुड़गांव, एक मीटिंग के लिए आना था। One hour later. लो जी जा रहे हैं फिर से वैशाली। रात में मेट्रो बंद है तो फिर ये कार से ही जाना पड़ रहा है। सुबह में तो हमने लाजपत से दिल्ली हाट मेट्रो पकड़ा था, दिल्ली हाट से फिर से हुडा सिटी सेंटर का मेट्रो पकड़ा था, फिर रिक्शा पकड़ के हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे। अब वापस भी मैं गाड़ी में ही। चलो मिलते हैं कल। फाइनली सेल्फी व्लॉग। एकदम वाइड एंगल शॉट। मैं भी आ रही हूँ। तुम एक ही रहोगे पूरे इसमें जिसने दीदी के साथ फोटो लिया। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं। तो हम हैं दिल्ली हाट में। यहाँ पे आज रात को कुछ प्रोग्राम है यहाँ बंगाली समाज की तरफ से, उसकी तैयारियाँ चल रही है, वही देख रहे हैं। यहाँ पे अंकल जी हैं, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड बजा रहे थे। उनका देखिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है सब। आपको कोई पार्टीज वार्टीज ले चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, थोड़े आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। तो सेकंड लास्ट डे इन दिल्ली, अभी मैं हूँ अभी तक यहीं दिल्ली हाट में। अभी किसी और से मिलना है, फिर बाद में जाऊँगा कोई होटल की खोज। भाई सच में रात में दिल्ली हाट का जो माहौल देख के ना मज़ा ही आ जाता है। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, चलिए थोड़ी देर रुक के देखते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स ना देखने में आज बड़ा मजा आता है।
चलो चले होटल की खोज में। चलो घर जाने का टाइम आ गया। गोइंग बैक टू दिल्ली एयरपोर्ट। बाई गॉड ये मेट्रो बहुत फास्ट है। फाइनली ये छोटी सी दिल्ली वाली ट्रिप एंड हो रही है। आ गया हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट में। अब क्या, बस फ्लाइट पकड़ो मुंबई, अपने घर वापस चलो। थैंक यू एवरीवन, बढ़िया ट्रिप था दिल्ली, मच लव टू यू। बड़ा मज़ा आया 3-4 दिन बस सब फ्लाइट के। थैंक यू सो मच। आने का इंतज़ार, जाने का इंतज़ार। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। लो भाई बोर्डिंग का टाइम आ गया और इस बार जाने के लिए विस्तारा का फ्लाइट है। लो जी टेक ऑफ का टाइम आ गया। पिछली बार सुबह था, अब रात का टेक ऑफ देख लीजिए। प्लेन इज ऑल सेट टू फ्लाई। वी हम आ गए। अब आप मैप भी देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है विस्तारा में। मैप पता चलता है एकदम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है। जाते जाते पूरा एंटरटेनमेंट होता है, समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखो जैसे अभी हमने आधा रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही लिया है, और इसमें सिर्फ ना नीचे के गांव देखते हो, साथ साथ में आपको मैप में दिखा पता भी चलता है कि कौन सा गांव दिख रहा है नीचे। बड़ा मज़ा आता है। वो देखो सामने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस पहुंच रहे हैं। तो जी लैंडिंग की तैयारी हो रही है और अब बस लैंड होने की देरी है। यूजुअल सब ऐसे खड़े हैं जैसे प्लेन इनको छोड़ के जाएगा। क्या हुआ? जस्ट दिल्ली की साइकिल रिक्शा से मुंबई की मोटराइज्ड रिक्शा पे। इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। चलो सी यू सून इन सम न्यू एडवेंचर विद गौस डे आउट। होपफुली आई मेक बेटर ब्लॉग्स। सीख रहा हूँ यार, कुछ सजेशंस हो तो दे देना। थैंक यू। Bye-bye. You enjoy the ride.